हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू कृष्णा मैथ्स एकेडमी। आज हम मिसलेनियस के रिमेनिंग क्वेश्चंस 12, 13, 14, 15 ये चारों पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहले वाले पार्ट्स में आप लोगों ने देखा कि मिसलेनियस में यूनिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 15 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इफ ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वेयर ऑर्डर है, सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। आपको कंडीशन गिवन है कि ए स्क्वेयर ए के इक्वल है। आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? आई प्लस ए होल क्यूब की। होल क्यूब यहाँ पर है तो ए प्लस बी क्यूब मत खोल देना, आई प्लस बी का होल क्यूब। आई प्लस ए होल क्यूब का मीनिंग क्या होगा कि आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, और यहाँ साथ में क्या है, -7। आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या आएगा, चार ऑप्शन दे रखा है, इनमें से एक ऑप्शन पिक करना है आपने। तो पहले मल्टीप्लाई करें, आई को आई से मल्टीप्लाई। आई मैट्रिक्स में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज यू नो। और आइडेंटिटी का मतलब लाइफ में कभी भी सोच लो, जनरली आइडेंटिटी जो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है। अब सोचो वन को वन से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या आता है, वन आता है। तो सेम मैट्रिक्स में भी यही है कि आई को अगर आई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, हमेशा आई आएगा। तो इसलिए जब हमने आई को आई से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, आई। नेक्स्ट स्टेप में इस आई को ए से मल्टीप्लाई किया। देखो आई इंटू में क्या बना, ए। लेकिन मैंने आपको बताया आई सेम है जो क्या होता है, वन होता है। तो वन इंटू ए कैसे, ए ही होता ना, तो इस तरह से आई इंटू ए। जब आपने इस आई को इस ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, फिर से ए, फिर से ए इंटू आई। आई तो है ही वन, तो ए इंटू वन जैसे क्या होता है, ए, तो ए इंटू आई भी क्या बन जाएगा आपके पास, ए। ए इंटू ए स्क्वेयर, और यहाँ आपके पास क्या है, i प्लस ए, साथ में क्या चल रहा है, -7। अब ए स्क्वेयर स्टेटमेंट आपको गिवन है कि ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, a। इसलिए इस ए स्क्वेयर के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, a। प्लस से प्लस से ये क्या बन गया, प्लस टू ए प्लस ए, और ये क्या है, i प्लस ए -7। प्लस टू ए प्लस ए क्या बन गया आपके पास, i प्लस थ्री, और यहाँ क्या है, i प्लस ए, और ये क्या हो गया, -7। अब फिर से मल्टीप्लाई करो, i इंटू आई आई, i इंटू थ्री ए थ्री ए, ए इंटू आई ए, ए इंटू थ्री ए क्या बन जाएगा आपके पास, 3a स्क्वेयर, और यहाँ क्या है, -7। फिर से देखा ए स्क्वेयर की वैल्यू तो क्वेश्चन में है ही ए, तो इसके प्लेस पर यहाँ पर क्या है, प्लस थ्री ए प्लस वन है, फोर ए फोर ए, और यहाँ पर ए स्क्वेयर तो ए है, तो ये क्या बन जाएगा, 3a, ये क्या है साथ में, -7। प्लस फोर ए प्लस थ्री ए क्या आएगा, 7 है, इस 7a से ये 7a क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपका आंसर क्या है, आई। तो यही आपके पास क्या हो गया, सी। तो बेसिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिर्फ ए स्क्वेयर के प्लेस पर आपको क्या पुट करना था, ए पुट करना था, और इसको सिंपलीफाई करके देखना कि आंसर क्या आता है। तो आपने ऑब्जर्व किया इसका आंसर क्या आ चुका है, आई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, तो क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ए बी जो है बी ए के क्या है, इक्वल है। Then prove by induction. अब आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ इंडक्शन का मीनिंग क्या है, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी क्या कर चुके हो, इसका यूज कर चुके हो। तो कहते हैं इंडक्शन के हेल्प से पहले ये पार्ट प्रूव करो, आफ्टर डेट आपको ये भी प्रूव करना है। तो करते हैं, ए बी की एन इज इक्वल टू क्या शो करना है, बी की एन। इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होता है, पुट एन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, पुट एन इज इक्वल टू वन। तो जब आपने एन इज इक्वल टू वन पुट किया, क्या बन जाएगा, एन के प्लेस पर वन, ए बी। यहाँ पर भी एन के प्लेस पर वन क्या बन गया, बी की वन इंटू ए। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ चुका है, बी ए। तो ये तो आपको गिवन था ना कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, डैट मीन जब मैंने वन पुट किया तो गिवन रिजल्ट आ गया, जो कि आपको बता रखा है ये ट्रू है। तो क्या करेंगे, विच इज ट्रू,
अब क्या है स्टेप टू? स्टेप टू क्या है? लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। एन इज इक्वल टू के लिए हमने गिवन स्टेटमेंट क्या लेट की है? ट्रू। ए बी की के और यहां क्या है? बी की के इंटू में ए। स्टेप थ्री क्या है? वी विल प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हम इसे प्रूव करेंगे। दैट मीन यहां क्या हो जाएगा? ए बी की के प्लस वन, यहां क्या आ जाएगा? बी की के प्लस वन इंटू में ए। ये शो करना है आपको। तो जब भी आपको प्रूव करना होता है आप लेते क्या है? एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड ली। क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड? ए बी की के प्लस वन। यहाँ के प्लस वन पावर को मैंने स्प्लिट कर दिया। के प्लस वन में से के और वन पावर क्या कर दी? सेपरेट। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पर जो के प्लस वन पावर है ना ओनली बी पर है, ये ए पर नहीं है। इसलिए जब मैंने के प्लस वन को स्प्लिट किया तो मैंने सिर्फ बी पर के पावर करी, फिर बी पर क्या की? वन पावर करी। ए दोनों पर नहीं करी है, ए पे तो ए ही है। अब देखो इस पार्ट को ध्यान से देखो, ये पार्ट ए बी की के, ये जब मैंने ट्रू पार्ट माना है सेकंड स्टेप में तो ए बी की के ये रहा। इस ए बी की वैल्यू क्या है? बी की के इंटू ए। देखो ना ए बी की के क्या है? बी की के इंटू ए। इसलिए इसके प्लेस पर आपने क्या लिख दिया? बी की के इंटू ए। और यहाँ क्या चल रहा है आपके पास? बी। अब फिर से देखा, ये आपको ए बी दिख रहा है, दिख रहा है ना ए बी? इस ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? बी ए। इसलिए इस ए बी के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? बी ए। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं इतनी भी जरूरत क्या थी? देखो मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता, इसलिए आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि ए बी को लिख दू बी ए। आपको गिवन था ना इसलिए आप लिख पाए, होगा गिवन नहीं था तो हम यूज नहीं कर सकते। अब हो गया। अब देखो ये दोनों बी साथ साथ हो गए, बी की के बी की वन, दोनों का बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी? एड। तो बी की के प्लस वन इंटू में क्या आ गया? ए। तो इसके साथ आपके पास ये वाला पार्ट क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब इसने एक पार्ट तो यहाँ तक बोला है कि ए बी की एन को बी की एन ए के इक्वल शो करो। आफ्टर इट उसने क्या बोला है? ए बी की एन को इसके भी इक्वल शो करना है, ए की एन इंटू बी की एन के। तो इसके इक्वल शो करते हैं। कैसे शो करेंगे? इसके लिए मैं सिर्फ थर्ड पार्ट को रिमूव कर रही हूँ, सॉरी दोनों पार्ट ही रिमूव कर देते हैं। लेकिन याद रखना इसमें यहाँ पर बोला है फर्दर प्रूव दैट। फर्दर प्रूव का मतलब होता है इन केस आपको जो पहला पार्ट प्रूव किया है उसकी हेल्प लेनी पड़ी तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्दर क्या प्रूव करना था? ए बी की एन इज इक्वल टू शो करना था ए की एन इंटू में बी की एन। अगेन ऑब्वियस मुझे पीएमआई की हेल्प लेनी है, तो पीएमआई का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पुट एन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ जब आप वन पुट करेंगे ए बी की वन, यहाँ क्या हो जाएगा? ए की वन इंटू बी की वन। दैट मीन आपके पास पता चल गया ए बी इक्वल टू क्या है? ए बी। एज यू नो देखो ए बी तो ए बी के इक्वल ही होता है ना, इसमें तो कुछ हमें समझने की नीड ही नहीं कि क्यों है, ए बी तो ए बी के इक्वल होता है। तो क्या लिख देंगे आप? विच इज ट्रू। अब स्टेप टू क्या था आपके पास? लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। आपने गिवन स्टेटमेंट को एन इक्वल टू के लिए ट्रू लेट कर लिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी की के, यहाँ क्या आएगा? ए की के इंटू में बी की के। अब क्या करेंगे? स्टेप थ्री। स्टेप थ्री के लिए क्या होगा? वी विल प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करोगे तो यहाँ पर एन के प्लेस पर क्या लिख दो? के प्लस वन। यहाँ क्या आएगा? ए की के प्लस वन। यहाँ पर क्या आएगा? बी की के प्लस वन। ले ली क्या हमने लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी की के प्लस वन। तो हमने क्या किया भाई? के प्लस वन को स्प्लिट करते हैं। लेकिन इन केस यहाँ पर
ए इंटू बी पर होल पावर है ये, इसलिए जब के स्प्लिट होगा तो ए बी पर भी होगा और के पर, ए बी पर के और फिर ए बी पर क्या पावर हो गई, वन। अब ए बी की के ये ना, इसकी वैल्यू क्या है, ए की के बी की के, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, ए की के इंटू बी की के। अब फिर से देखा कि आपके पास ए बी की के, देखो हमने फर्स्ट पर प्रूफ किया था, मैं यहाँ एन के प्लस पर के लिख रही हूँ, ए बी की एन किसके इक्वल है, बी की एन नहीं, यानी ए बी की के किसके इक्वल था, बी की के ए, तो बी की के ए के प्लेस पर क्या लिख देंगे, ए बी की के, और यहाँ आपके पास बी, यहाँ क्या है ए की के, ए ए बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी एड, ए की के प्लस वन, यहाँ क्या आएगा बी की के प्लस वन, तो क्या प्रूफ हो गया, ए बी की के प्लस वन किसके इक्वल है, ए की के प्लस वन इंटू बी की के प्लस वन, आपको यही तो शो करना था। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सिंगल टाइम में समझ नहीं आता प्लीज बैक जाकर इस क्वेश्चन को रिपीट करिए, अच्छे से देखिए, दो बार देखो, तीन बार देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पहले के कंपैरेटिव कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन में इफ ए इज इक्वल टू, आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, और सच डैट एक कंडीशन के साथ गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के साथ, देन आपको पूछा इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा, ए बी सी डी, तो कुछ नहीं करना, जो कंडीशन दे रखे हैं उसका यूज करते हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ए इंटू ए, तो इसी मैट्रिक्स को इसी से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा बीटा गामा, अल्फा इंटू में क्या आ जाएगा बीटा, बीटा इंटू माइनस अल्फा, आगे कॉलम खत्म, इस रो का काम भी क्या हो जाएगा खत्म, बारी किसकी है नेक्स्ट रो, गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा, गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ क्या है 1 0 0 1, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा, यहाँ गामा अल्फा से गामा अल्फा कैंसिल, कंपेयर कर देंगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो 1, ये अल्फा स्क्वायर यहाँ जाके माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा यहाँ जाके क्या आ जाएगा माइनस बीटा गामा, और इधर क्या बच गया 0, चेक कर लो, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा माइनस 0, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द आंसर, तो 13 क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज, तो पूछा गया, कहता है ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो गई तो स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी, यानी कि देखो सिमेट्री की कंडीशन तो अलग थी, ए डैश इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक था ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, हमने सोचा ऐसी कोई मैट्रिक्स है क्या जिसमें ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल भी आ जाए नेगेटिव, तो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही याद रखना, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल भी होता है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि माइनस जीरो भी क्या होता है जीरो, तो इसलिए ए ट्रांसपोज ए के भी इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के भी इक्वल आता है, तो जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो दैट मीन आपको ये रिजल्ट लाइफ टाइम के लिए क्रैम करना है, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स, दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड आपके पास यहाँ पर मिसलेनियस तो हो गया फिनिश, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी है बट है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, इसके साथ साथ 3.4 होगी इनवर्स, और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स भी डिस्कस होंगे, तो इसलिए इन लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, बाय बाय।